हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गेहूं के आटे से बना चटपटा नाश्ता, जो आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 1.5 कप आटा। आप चाहें तो यहाँ पे मैदा भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। इसको इस तरह से मसल कर डालें जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह घी भी यूज कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। पानी को एक साथ ज़्यादा न डालें। आटे को हमें न तो ज़्यादा सख्त करना है न तो ज़्यादा नरम। डो हमारा रेडी है तो इसको कवर करके रख देते हैं रेस्ट होने के लिए। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। गैस पे मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 5 फोरन। आप इसकी जगह जीरा भी डाल सकते हैं। 5 फोरन हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसे और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मैश किए हुए आलू। इसको मैंने मैश कर लिया था। मिक्स कर लेंगे इसे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन और मिर्च का पेस्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें नमक। 1 चम्मच नमक मैं डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे इसे। इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। मिला लेंगे इसे अच्छे से। इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और गैस को हम बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। हमारा डो और स्टफिंग दोनों चीज़ रेडी है तो चलिए नाश्ता बना लेते हैं। अब हम डो से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और रोटी के जितनी लोई बना लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर रोटी के जितना बेल लेंगे। बिल्कुल रोटी की तरह हमें बेल लेना है। इसको मैंने रोटी के जितना बेल लिया है इसी तरह से एक और हम बेल लेंगे। इसको मैंने बेल लिया है। अब इसमें से पतली पतली स्ट्रिप काट लेंगे, बिल्कुल पतला पतला। ये देखिए मैंने पतली स्ट्रिप काट ली है। अब हम एक एक स्ट्रिप इस तरह से उठाएंगे। अब हमने जो रोटी बेल के रखा था उसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारी स्ट्रिप लगा देंगे। अब हम एक रोटी और बेलेंगे। इसको मैंने बेल लिया है। अब इसको हम कटोरी से काट लेंगे, गोल शेप में काट लिया है मैंने। इसको निकाल लेंगे। अब हमने जो स्ट्रिप लगा के रखी थी रोटी पे उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देंगे जिससे ऊपर ना आने पाए। पानी लगाने से हमारी स्ट्रिप खुलेगी नहीं ऑयल में जब हम डालेंगे। एक तरफ से मैंने स्ट्रिप लगा दिया है, पानी भी लगा दिया है ऊपर से, तो अब हम दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे और इसको हाथ से चिपकाते जाएंगे। दोनों तरफ से हमने स्ट्रिप लगा दी है तो अब हम इसे कटोरी से काट लेंगे इस तरह से। इसको मैंने काट लिया है, निकाल लेते हैं। ये देखिए दोनों हमारी रेडी हो गई है तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे आलू और इसको फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर ये रखेंगे और हाथों से दबा देंगे जिससे चिपक जाए। अब हम हाथों से इस तरह से इसमें डिजाइन बना देंगे, चारों तरफ से बना दें। बहुत ही बढ़िया लगेगा और देखने में जितना सुंदर है खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होगा हमारा नाश्ता। एक मैंने रेडी कर लिया है, इसी तरह से हम सारा रेडी कर लेंगे। आटे और आलू का सारा नाश्ता हमने बना लिया है तो अब इसको हम तल लेंगे। गैस पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए तो अब हम इसको तल लेंगे।
एक एक करके डाल देंगे ऑयल में। गैस का फ्लेम हमें एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया, तो अब हम इसको पलट लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमें क्रिस्पी करना है। ये गेहूं के आटे से बना है तो हेल्दी भी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है बनाना। ये दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गया, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, तो हमारा आटे और आलू का नाश्ता बनके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।